अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई चैनल। जबकि यतीम के हाथ सर पर फेरना, जितने उसके सर पर बाल हैं उतना इंसान जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है। आसान है अजीजाने मोहतरम, दीन बड़ा आसान सा है, हमने मुश्किल बना दिया है दीन को। हर शख्स हमारे पास आता है, मौलाना साहब तस्बीहें दे दें, दुआएं दे दें, ये दे दें, वो दे दें। आयतुल्ला खुई रिजवानुल्लाह ताला अलैह कि आपकी सलावत उनके दर्जात में इजाफा फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मर्जे बुजुर्ग जहान का मर्जा, उस वक्त वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जो वाजिबात हैं ये जमीन की तरह है और ये जो मुस्तहबात हैं ये उस जमीन पर काश्त हैं। हमने जमीनें तो खरीदी नहीं हुई है, हम सब मुस्तहबात के चक्कर में ज्यादा हैं। ये करवा लो, ये दुआएं पढ़वा लो, ये कर लें, वो कर लें। भाई जमीन तो खरीदें, जमीन क्या है, जमीन वाजिबात है, वाजिबात तो अदा करें। वाजिब हमसे अदा नहीं होता, वाजिब सिर्फ वाजिब नमाजें नहीं है अजीजाने मोहतरम, माँ बाप की खिदमत करना वाजिब है, हमसायों के लिए ये करना, हमसाय का ख्याल करना, उसका ये ख्याल करना, अपने आप को मुहरमात से बचाना, हराम कामों से अपने आप को बचाना, हलाल रिस्क कमाना, अपने घर को नान नफका देना, ये वाजिबात है। ये वाजिबात मुझसे अदा नहीं होते, हक देना, जब मुझे कोई चीज है तो मुझे उसको अदा करना नहीं। जमीन खरीदेंगे तो फिर उस पर बीज या कोई भी फसल लगाई जाएगी, बस तस्बीह दे दे मौलाना, वजीफों का दीन हो गया हमारा, वजीफा दे दे कोई। अज़ीज़ाने मोहतरम मेहनत करें इंसान, शॉर्टकट चाहिए। बच्चा भी ये कहता है वहां सब दुआ करें, पेपर देकर आते, बेटा पढ़ाई की थी, पढ़ाई करेंगे तो मेहनत के साथ दुआ जरूरी होती है, मेहनत की नहीं है अभी दुआ दे दे। हम भी जब अपने जमाने दौरे जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज में स्कूलों में, हम भी रात को तस्बीहें पढ़ते रहते थे, काज की सही तरह दूसरी किताब पढ़ ली होती केमिस्ट्री की, हम कहते थे कि ये पढ़ते रहते हैं दूसरे दिन पेपर कैसे हल होगा। हाँ आपने मेहनत की हो, फिर उसके बाद जब आप इम्तिहान में बैठे तो तस्बीह हजरत सैयदा पढ़े, वो जो आपने पढ़ा होगा वो सब आपको याद आ जाएगा। कमाल ये है कि पढ़ा होना जरूरी है, मेहनत करा, मेहनत नहीं। जवान आजकल का शॉर्टकट के चक्कर में रातों रात मिलीनियर हो जाऊं मैं, बिन दुनिया भी ऐसी है, सोशल मीडिया सब कुछ, टीवी ड्रामे करोड़ों की जायदाद। हाँ टीवी तो गरीब का तो कोई ड्रामा ही नहीं बनता आजकल, जो शख्स दिखाया जाता है 500 करोड़ों का बिजनेस, इतने करोड़ों का बिजनेस, इतने करोड़ों का, जिंदगी में कभी ऐसे नोट भी नहीं देखे होंगे किसी ने, और वही हमारे जहनों के अंदर है। हम भी यही सोचते हैं बस ये बड़ी बड़ी मर्सिडीजें ले लें, ये ले लें, वो ले लें, जबकि माशरा जीजाने उतना बैलेंस से चलता है। माशरे में मोची की भी जरूरत है, माशरे में बढ़ाई की भी जरूरत है, माशरे में धोबी की भी जरूरत है, माशरे में हर काम की जरूरत है। अगर सब एक ही जैसे हो जाते तो काम कौन करेगा, खुदा का निजाम है। दीन इस्लाम इज्तमाइयत का दीन है, मदनी दीन है, लेकिन मेहनत करें। जो शख्स मेहनत करेगा, कोई भी शख्स हो, आज आपके सामने हम कहते हैं जी वेस्ट ने ये कर दिया, वो मेहनत कर रहा है, वो अपने सुबह जब काम से निकलता है वो मेहनत करता है, अब चाहे उसके बाकी दिन कैसे भी हो, लेकिन वो अपने 5 दिन मेहनत करता है, अपनी सीट पे बैठा है तो मेहनत करता है। हमारी तरह नहीं, ऑफिस जाएगा तो ये व्हाट्सएप या मोबाइलों पे लगा रहेगा, फिर बोलेगा यार काम मौलाना साहब काम नहीं होता, ऑफिस वाले तंग बड़ा करते हैं, अब कहां से तंग करेंगे। बच्चा कहता है आजकल हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बेटा अपने सब्जेक्ट में आपने कितनी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते थे, नई डेवलपमेंट रिसर्च को आपने कितना देखा दुनिया में हो रही है, आप 4 किताबें सिलेबस की किताबें पढ़कर कभी भी इंसान क्रिएटिव नहीं बनता, गुलाम बनता है। ये तो किताबें गुलाम बनाने के लिए, आपको अगर आपको कमाल करना है तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़े चीजें, और आजकल आपके सब फिंगर टिप्स पर है, आप सारी रिसर्च फिंगर टिप्स पर है, लेकिन कौन मेहनत करे, कौन जहमत करे, मेहनत नहीं करेंगे अजाने मोहतरम वहीं खड़े रह जाएंगे। इंसान ने कितनी मेहनत की, हमारे एक दोस्त थे
मुझे कहने लगे मौसा साहब, हम तो जिस जमाने में पढ़ते थे उस जमाने में ये इतनी चीजें नहीं होती थी, मार्केटिंग वार्केटिंग, हम तो टेक्निकल आदमी थे, लेकिन अब बड़ी मुश्किल हो गई है। अब हम जिस कंपनी में, वो कहते हैं प्रेजेंटेशन बना के दो। अब हम लोगों को भी जो है वो पावर पॉइंट पढ़नी पड़ती है, पढ़कर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। क्यों? कहते हैं मौसा साहब जरूरत बन गई है, अगर नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो फारिग हो जाएंगे। वैसे ही है, अगर आप अपने आने वाली नस्ल को, कौम को, या अगर आप खुद अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अब तो मोबाइल को अगर आप उसको सिस्टम को अपग्रेड नहीं करें तो नई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करता। वो कहता ओएस पुराना हो गया आपका, नया डालें। ये भी उन्होंने नया चक्कर लगाया, बार थोड़े थोड़े दिनों बाद नया करते रहते हैं, और हम भी इसी नए के चक्कर में, वो कंपनी तो अमीर हो गई, हम गरीब होते जा रहे हैं। वो तो अमीर हो रही है, वो तो हर दफा फेंक रही है, मैं क्यों नहीं बना रहा कुछ? हम जो इतने सारे यहां बैठे हुए, हम में से कितनों ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई आज इस स्मार्टफोन के लिए कि जो आज मेरी कौम या मेरी नस्ल को या मेरे जवानों को फायदा देती? लम्हा फिक्रिया है। मौलाना साहब कर दे सब कुछ, सारा काम जब मौलाना नहीं करना है भाई, तो फिर जन्नत में इसी को जाने देना, टेंशन क्यों है फिर? इसको जाने दे जन्नत में। नहीं, मेहनत करें, आने वाली नस्ल को पढ़ाएं, मेहनत करें, टाइम इन्वेस्ट करें इस बच्चे के ऊपर। आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कल रंग लाएगी, पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। कुछ सीखें हजरत अबू तालिब से, कैसी औलादें दी इस्लाम को, क्या दिया इस्लाम को, यानी पूरा इस्लाम आले इमरान के उस पर बैठा हुआ है। आले इमरान, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। दो ऐसी शख्सियतों की तरबियतें की हजरत अबू तालिब ने, एक रसूल खातिमुल अंबिया, एक अली वलीउल्लाह। दो बच्चों की तरबियत ऐसी थी, अबू तालिब आगोश में पाला, बड़ा किया। यही तो वजह थी कि जब गए तो एक साल रसूल ने गम मनाया। आसान नहीं है ये, एक साल गम मनाया। हजरत उस सख्ती के दौर को देखें, उस हालात में क्या दिया दुनिया को, बशरियत को क्या दिया, मैंने क्या दिया? मैं भी तो इंसान हूं ना, मगर मैं इंसान नहीं हूं, मेरे दो आंखें दो कान हाथ नहीं है, मैं सोचता नहीं हूं, फिक्र नहीं करता। खाने में तो मैं इतनी सोच लगता हूं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसका जायका अच्छा नहीं है उसका जायका अच्छा नहीं है, और सुनने और बोलने और करने में मैं यहां पर मैं साइलेंट हूं। नहीं मौलाना साहब मेरा क्या काम, मैं तो मौलाना साहब समय क्या, मौलाना साहब दुनिया में होने में जो हो रहा है, रोजे कयामत भी जब हो रहा होगा तो फिर वहां पे मत बोलिएगा कुछ, वहां भी यही होगा, हो रहा हो होने दीजिएगा। अजीजा थोड़ा सा हिले, मेहनत करें, और जो मेहनत करता है अजीजा ने मोहतरम, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, कोई भी हो, वो जो मेहनत के लिए अपने कदम उठाता है, खुदा उसका रिवॉर्ड देता है। खुदा कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।